दोस्तों निहानटेक में आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख सकते हो ये ओप्पो का A33 है, तो इसका हम बेस पेन और IMEI रिपेयर कैसे होता है ये बताएंगे वीडियो में। इसमें मोबाइल में IMEI भी ओके है, बेस पेन भी ओके, लेकिन इसका नो सर्विस था। तो एक बार मैंने QCN फाइल को फ्लैश करके देखा है, तो आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर नो सर्विस का प्रॉब्लम आता है तो WTR सर्च करने से एक बार पहले QCN को डालकर जरूर देखिए। तो आप लोग देख सकते हो इसके लिए करना क्या होगा, हम लोगों को सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन में बुल्ड नंबर पर दबाना है, तो उसके बाद हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो मैंने दिखाया है, देखिए आप लोग। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे डेवलपर ऑप्शन को ऑन करेंगे। डेवलपर ऑप्शन को मोर सेटिंग्स में है डेवलपर ऑप्शन, और इसमें जो कैचअप है उसको फिल करना है, ऊपर में जो लिखा हुआ है तो उसको कैचअप को फिल करके डेवलपर के ऊपर के ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद USB डिगामी ऑन करना है, उसके बाद OEM अनलॉक को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ का काम ख़त्म, तो बैक करके हमें एक तो कोड डायल करना है अभी डायलर में। तो देखिए कोड क्या है, *H801#। इसके जो नीचे का तीन ऑफ है उन तीनों को ऑन कर देना है। इसके बाद आप डाटा केबल लगाइए, आपके मोबाइल में डायग्नोस्टिक पोर्ट का ड्राइवर लेने शुरू हो जाएगा। आप लोग देखिए पूरा वीडियो, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर किया हुआ है। तो ये तीनों को ऑन कर दिया है, अभी USB लगाएंगे तो देखना आप लोग। पोर्ट लेना शुरू कर दिया है ड्राइवर को, तो इसके बाद हम UMTQ फाइल को ओपन करेंगे। और एक बार दोस्तों, इसको पुराने जितने भी कॉलकॉम के ओप्पो के मॉडल है उसमें ये मेथड काम करेगा। IMEI रिपेयर, QCN, नेटवर्क का इशू जो होता है, बेस पेन अनाउ, वो सब इसमें सबसे आप सोल्व कर सकते हो किसी भी ओप्पो मोबाइल के। लेकिन न्यू मॉडल में शायद काम नहीं करेगा, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। तो हम किसी पेयर को ओप्पो ब्रांड सेलेक्ट करें A35, उसके बाद जो QCN गूगल से डाउनलोड किया है उसको सेलेक्ट करेंगे रिस्टोर QCN में। अभी पोर्ट सेलेक्ट करना है, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे US डायग्नोस्टिक पोर्ट को, कॉलकॉम डायग्नोस्टिक पोर्ट। उसके बाद आपका IMEI का आप इसको सेंस करना चाहते हैं इधर रिपेयर कर सकते हो, उसके बाद आपका मोबाइल हो जाएगा। इसको ये हो गया है। अब आप लोग UMD नहीं है तो फ्री के मेथड से कैसे कर सकते हो, जो QC फील है उसी से आप कर सकते हो। QC फील में फिर से वही मेथड मोबाइल में करना है। उसके बाद जब पोर्ट लेगा तब आपको जाना है टूल्स में जाके QCN रिस्टोर एंड बैकअप में फाइल सेलेक्ट करना है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद ये फाइल है स्टोरेज। अब जब मोबाइल को कनेक्ट करेंगे पोर्ट लेने के बाद रिस्टोर कर देना है। तो वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर कुछ भी गलती हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बुरा लगे डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।